अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर में आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखेगा, लेकिन जो लीडिंग कोफिशियंट है एक्स स्क्वेयर, उसका कोफिशियंट नेगेटिव है। तो हम स्टार्ट उधर से ही करते हैं, इंटीग्रेशन वगैरह सारा कुछ अभी एक साइड रखो। और जो नीचे आपको फंक्शन दिख रहा है ना, क्या है वो फंक्शन? 3 - 2x - x2। पूरा ध्यान इस पे केंद्रित कर दो। आप क्या करना है, माइनस साइन जैसे आप कॉमन लेंगे तो आपको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे ना, प्लस का 2x और -3। 10वीं क्लास में आपने मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर सीखा था, अगर वो ध्यान नहीं है तो इसलिए ये भी एक रीजन हो सकता है कि ये आपका डाउट बना। तो आप क्या करो, उसको रिकॉल कर लेते हैं। माइनस साइन आपका इधर ही रहेगा, और ये जो दो टर्म्स हैं ए स्क्वायर प्लस 2 AB होता है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का आसान तरीका क्या है, जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हो, नहीं है तो इसको 1 बना लो पहले कुछ कॉमन लेके या मल्टीप्लाई करके। उसके बाद जब ये कोफिशियंट 1 मिल जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आप इसको एक्स, ये जो कोफिशियंट है उसका आधा, 2 का आधा होता है 1, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और जो आपने यहाँ पे b लिया a प्लस b होल स्क्वायर के लिए ना, उसका स्क्वायर माइनस b कर देंगे। तो ये जो चीज आपको मिलेगा ना, ये जो दिख रहा है आपको, ये इन दो टर्म्स के बराबर होगा। आप इसको ओपन करके देख सकते हो, आपको यही दो टर्म मिलेंगे। लेकिन हमारे पास इधर -3 भी था तो ये ऐसा आ गया, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ माइनस कॉमन लिया और हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस को साइन को ऐसे ही रखते हैं, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर भी हमने ऐसे ही रखा, 1 स्क्वायर 1, और -3 हो गया 4। अब हम माइनस साइन को ओपन कर देंगे ब्रैकेट की, हमने उसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर लिया है। जैसे ही ये ओपन करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, 4 हो गया, और ये माइनस साइन इसके आगे आ जाएगा, 4 - x + 1 होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इतना काम करने के बाद क्या दिख रहा है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है, ये हमें दिख रहा है 4 - x + 1 का स्क्वायर। ये करने के बाद हम वापस इधर आ जाते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, और इसका जो वैल्यू आया था dx/ √4 - x + 1 का स्क्वायर, हमने ऐसा कर लिया। अब ये एक फॉर्मूला होता था dx/a²- x², याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो उस फॉर्म में आ गया है, लेकिन वो फॉर्मूला लगाने से पहले हम एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, x+1 को t रख देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो dx = dt आएगा, ठीक है। और आपका ये जो, इसको अगर हम i से रिप्रेजेंट करें इस क्वेश्चन को, तो हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर dt आ गया, dx की जगह हमने dt रख दिया, और नीचे अंडर रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2² - t². अब ये फॉर्म है ना, ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ये dx/a²- x². अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको रिव्यू कर लीजिए और याद कर लीजिए, काफी यूजफुल फॉर्मूला है। तो इसको डायरेक्टली अप्लाई कर दो, आपका आया इंटीग्रेशन साइन हटा देंगे अब आप, क्योंकि आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका आएगा ये होता है sin·1x/a होता है ना, sin·1 x की जगह है t, a की जगह है 2, और प्लस c हम लगा देते हैं। फाइनली आपने जो t रिटेन रिप्लेस किया था उसका वैल्यू रिटेन कर दीजिए यहाँ पे, तो आपका फाइनल आंसर ऐसा लगेगा, sin·1 x+1/2 + c।